हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। सो गाइस, आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी बचपन की गेम्स। हाँ जी, जो हमारी रेट्रो गेम्स हुआ करती थी उसके ही बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको वो गेम प्ले करनी है तो आप किसके अंदर कर सकते हैं, कौन से कंसोल के अंदर आप करें, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा गेम स्टिक लाइट, तो इसके अंदर जो भी गेम्स है सारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज इसका रिव्यू करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, कौन सी गेम हमें दिखने वाली है और कौन सी गेम हम खेलने वाले हैं, तो आज इसका ही रिव्यू करेंगे और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना, क्योंकि इस कंसोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंसोल है। अब आप कहोगे भाई स्मॉलेस्ट कंसोल कैसे है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो पूरी देखना और एंड तक देखना। तो चलिए फिर इसकी पहले एक अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद सेटअप करेंगे अपने टीवी पे कि कैसे आपको सेटअप करना है और कितनी गेम मिलने वाली है। तो भाई आपको बिलीव नहीं होगा, इसके अंदर ना बहुत सारी गेम मिलने वाली है, जो आपके बचपन की गेम है ना वो इसके अंदर मिलने वाली है, खजाना है ये गेम का। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं कर रखा तो जाओ भाई फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैं कुछ कुछ डालता रहता हूँ। और कुछ अगर आपको गेम्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या क्वेरी लेनी है, ये सारे बोल रहे हैं अभी। तो अगर आपको गेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लेनी है तो आप मेरे को वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं, तो जाओ भाई फॉलो करो। चलिए फिर बिना बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, आपको दिखाई दे रहा होगा गेम स्टिक का बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 2.4G वायरलेस कंट्रोलर गेम पैड। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंसोल है, और इसके अंदर आपको कौन सी गेम देखने को मिलने वाली है ये तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। पर उससे पहले मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ, जैसे कि आपको कुछ बॉक्स ऐसा दिखाई देगा, अगर आप लेने जाओगे तो आप देख लेना बॉक्स को। तो चलिए फिर हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा प्रोफेशनल गेम चिप, तो इसके अंदर जो लगी हुई है वो चिप है प्रोफेशनल गेम चिप, और ये कनेक्ट होगा, कनेक्ट टीवी से कनेक्ट हो सकता है ये। और नीचे की साइड आप देखोगे तो क्लासिक गेम, तो आपको इसके अंदर क्लासिक गेम्स मिलने वाली है। इससे नीचे जाओगे तो आपको डबल रॉकेट कंट्रोलर मिलने वाले हैं इसके अंदर, और आपको कुछ ये ब्रांडिंग है आपको दिखाई देने वाली है, और ये कंट्रोलर की भी आपको कुछ फोटोज वगैरह दिखने वाली है। तो बैक साइड में हम जाएंगे तो बैक साइड में आप देख सकते हैं बैक साइड भी ब्रांडिंग है, और ये जो गेम स्टिकर्स की फ़ोटोज़ लगी हुई है। इधर की साइड जाएंगे तो कुछ इसके जो पोर्ट वगैरह है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि किस पोर्ट का क्या काम है। उससे नीचे जाएंगे तो आप उनको प्रोडक्ट फीचर किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले में डबल हैंडलिंग है इसके अंदर, सेकंड के अंदर है सपोर्ट 14 सिमुलेटर गेम सोर्स सिस्टम एंड ड्यूल प्लेयर, मतलब कि आप इसके अंदर 14 सिमुलेटर गेम खेल सकते हैं, और वो भी ड्यूल प्लेयर के अंदर। थर्ड के अंदर हमें दिखाई देने वाला है ओरिजिनल 3D रॉकेट स्पेशल गेम रॉकेट एंड आर्केड, मतलब कि इसके अंदर जो गेम चलने वाली है वो आर्केड गेम चलने वाली है। फोर्थ के अंदर हम देखेंगे तो टीवी HD आउटपुट, मतलब जो इसका आउटपुट है वो टीवी से HD वाला आउटपुट है, वो सपोर्ट करेगा HDMI कनेक्टिविटी को, कनेक्शन को, टू TV गेम्स रिकगनाइज एंड ऑपरेटिंग, ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे गया। अब फिफ्थ के अंदर हम देखेंगे तो सपोर्टेड 40 सिमुलेटर फॉर्मेट गेम कंपैटिबिलिटी मोर देन 10,000, मतलब कि 10,000 गेम आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था कि आपको इसके अंदर बहुत सारी गेम मिलने वाली है, और जो मैंने आपको नंबर भी यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया, तो आपको इसके अंदर 10,000 गेम मिलने वाली है, ठीक है गाइज। और सिक्स के अंदर है, इसके अंदर सपोर्ट मल्टीमीडिया फंक्शन लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉच वीडियो, कि आप गाइज इसके अंदर जो
मतलब मल्टीमीडिया के जो फंक्शन है वो भी सपोर्ट करवा सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप इसके अंदर म्यूजिक भी सुन सकते हैं और वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये भाई बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर। और नीचे की साइड जाएंगे स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स कंसोल है ये, और लैंग्वेज सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज का इसके अंदर सपोर्टेड है। और जो ये एमुलेटर है ये मैमे FC गेम बॉय एडवांस गेम बॉय कलर मीडिया, और ये तो मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ वैसे भी अपनी डिस्प्ले के अंदर, तो आपको यहाँ पे भी आप शो देख सकते हैं कि आपको कौन से एमुलेटर इसके अंदर मिलने वाले हैं। और गाइज इसके अंदर आपको जो CPU मिलने वाला है वो GB2 का मिलने वाला है, और SSD RAM जो मिलने वाली है वो DDR3 256 MB की मिलने वाली है, और जो फ्लैश ड्राइव है इसकी वो है 128 MB की। तो गाइस ये तो होते हैं कुछ इसके फंक्शन, तो चलिए फिर अब जल्दी से इसकी एक अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी से चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स खोलता हूँ, तो बॉक्स खोलते ही मेरे को दो कंट्रोलर दिखाई दे रहे हैं, तो दो कंट्रोलर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले जो हमारा मैन यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी मैन यूनिट है वो इसके अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा जो स्मॉलेस्ट कंसोल है वो इसके अंदर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। गेम स्टिक की ब्रांडिंग है, गेम स्टिक लाइट ऑफ 4K, तो गाइस देख सकते हैं आप 4K अल्ट्रा HD के अंदर आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है इसका। तो ये तो होती है हमारी गेम स्टिक जो हमें पहली यूनिट मिलने वाली है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब जो दूसरा है वो हमें इसका कंट्रोलर मिलने वाला है, तो कंट्रोलर कुछ है भाई इसका PS2 के जो कंट्रोलर आते थे DualShock 2 उसकी टाइप का है कुछ। और ये जो कंट्रोलर है ये वायरलेस कंट्रोलर है, वायर्ड वाला नहीं है, तो ये इसके अंदर तार वार का जो जनरेटर है उससे हमको मतलब छुटकारा मिल गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें सेल लगा के इसकी कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, जो पावर है वो सेल लगा सकते हैं, और इसके अंदर सेल जो है वो ट्रिपल लेके 4 सेल लगेंगे, जो छोटे वाले होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये तो होती है हमारे कंट्रोलर की बात, तो चलिए फिर इसको जल्दी से बंद करते हैं। और इसके अंदर हमें दो कंट्रोलर मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये दूसरा कंट्रोलर भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, और इसका जो वेट है ये बहुत ही लाइट वेट के अंदर है, तो आप जब भी खेलोगे तो आपको जो आपकी ग्रिप है वो अच्छी तरह से बनी रहेगी। तो देख सकते हैं आप, इसको भी साइड में रखते हैं। इसके बाद जो हमें मिलता है वो है कि ये छोटी सी डिवाइस, और ये डिवाइस है ब्लूटूथ डिवाइस, जैसे कि हम अपने जो हमारे गेम स्टिक है उसके अंदर हमें इसे कनेक्ट करना होगा, और कैसे कनेक्ट करना होगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसको भी अभी साइड में रखते हैं। इसके बाद हमको एक मैनुअल बुक मिलने वाली है, तो ये मैनुअल बुक भी आप देख सकते हैं, अगर आपको इसको सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस, इसको भी साइड में रख देते हैं हम। इसके बाद हमें जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है कुछ वायर, तो ये जो वायर आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो ये जो वायर है ये है HDMI पोर्ट की वायर, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो LED LCD होते हैं वो मतलब जो दीवार के ऊपर अटैच होते हैं, और उनका जो HDMI पोर्ट होता है वो बैक साइड होता है, मतलब LED के LCD के बैक साइड होता है, तो जिसके कारण जब ये हमारी हम ये जो गेम स्टिक है लगाएंगे उससे तो हमें प्रॉब्लम आएगी कि हमें ऐसे लगाएंगे तो वो दीवार के अंदर अटैच होएगी, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये क्या करेगा इसका काम, ये आप अपने HDMI को लगाइए और फिर आप इसे बाहर की तरह अटैच करके लगा सकते हैं, तो ये इस काम आने वाला है, ये HDMI कन्वर्टर भी कह सकते हैं आप इसे, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमें एक वायर और मिलती है जो है USB वायर, तो इसका क्या काम होने वाला है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए फिर यही होते हैं कुछ कंटेंट हमारे गेम स्टिक के बॉक्स के अंदर जो हमें मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिए ये कुछ कंटेंट हमें मिलने वाले हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए फिर जल्दी से हम अपनी ये जो गेम स्टिक है इसको कनेक्ट करते हैं और इसका UI देखते हैं कि हमें कैसे मिलने वाला है और गेम्स हमें कौन सी मिलने वाली है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा HDMI का पोर्ट इधर की साइड, तो इसे कनेक्ट करते हैं इधर की साइड, लग गया भाई। तो
ये इधर की साइड कनेक्ट हो गई, बट अभी इसको पावर नहीं मिली जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी जो हमें डाटा केबल मिली है, इसका यूज़ करना होगा। अब आपके माइंड में जो थॉट था कि भैया ये किस लिए है, तो ये इसी लिए ही है कि हमें इसका यूज़ भी करना होगा। तो ये हमारी जाएगी इधर की साइड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसका पोर्ट, और ये हम अपने या तो जो हमारा मतलब चार्जिंग मोबाइल चार्ज है ना अडेप्टर, उसके अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके LCD के अंदर कोई USB पोर्ट है तो आप उधर की साइड भी इसे कर सकते हैं कनेक्ट। जैसे कि मेरे जो LCD है इसके अंदर पोर्ट है ऑलरेडी पहले से ही, तो मैं इसके अंदर कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया और आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही होगी जैसे कि आप देख सकते हैं दिखाई दे रही है। तो अब क्या करते हैं गाइस, जो ये हमारा USB कनेक्टर है जिससे हमें मतलब हमारा जो कंट्रोलर है वो काम करेगा, वो इसे कनेक्ट कर देते हैं इधर की साइड USB कनेक्टर के अंदर, जैसे ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे कंट्रोलर है ना इसके अंदर बैटरी लगानी है। अभी तो ये बैटरी है नहीं, मैंने भी अभी अभी देखा है कि मेरे को इसके अंदर बैटरी लगानी होगी, तो बैटरी लगाता हूँ फिर आपको अपने TV के अंदर दिखाता हूँ। सो गाइज, आपको जो गेम स्टिक लाइट है 4K, इसका UI कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये जो लिस्ट है ये दिखाई दे रही होगी, तो पहले तो हमें जो है ये लिस्ट दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। अब जो सेकंड यहाँ पे है ये क्लास है, तो यहाँ पे क्लास के अंदर आपको सारे जो एमुलेटर हैं ये दिख जाएंगे, जैसे कि मामे का आपको एमुलेटर दिखाई दे रहा होगा, FC का, गेम बॉय का, गेम बॉय एडवांस का, गेम बॉय कलर का, और MD का, MD में इसके मेगा ड्राइव, और ये SFC जो है इसके अंदर कैसेट वाली गेम चलती थी, और ये PS1 का, और ये अटारी का। तो ये कुछ जो एमुलेटर हैं आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आप अपने मनपसंद जो भी एमुलेटर है उसको आप चॉइस करके इसके अंदर गेम खेल सकते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री के अंदर जौन सी भी गेम मैंने प्ले करी होगी वो इसके अंदर दिखाई दे जाएगी आपको, या जो भी आप प्ले करेंगे वो आपको हिस्ट्री के अंदर शो हो जाएगी। अब आते हैं कलेक्शन के अंदर, तो कलेक्शन के अंदर मैंने कुछ कुछ गेम है वो यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको कौन सी गेम मिलने वाली है। तो गाइस, जैसे कि मैं अगर लिस्ट के उससे चलूँगा तो भाई बहुत सारी गेम है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 10,000 गेम इसके अंदर है, तो 10,000 गेम दिखाने बैठेंगे तो भाई बहुत सारी गेम हो जाएगी और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो लास्ट में आपको मिलने वाला है इसके अंदर आपको सर्च बार मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जौन सी भी गेम आपको सर्च करनी है वो यहाँ पर आप सर्च कीजिए और वो गेम आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको पहले मारियो गेम सर्च करके दिखा दूँ, तो मारियो देखिए आप यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जितनी भी इसके अंदर मारियो होगी, जैसे डॉक्टर मारियो है ना, मारियो इज मिसिंग, सुपर मारियो, सुपर मारियो 2, सुपर मारियो 3, सुपर मारियो, आपको जितनी भी मारियो इसके अंदर इंस्टॉल होगी वो सारी मारियो आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएगी। अब आते हैं, सबसे पहले ये आपको मैंने लिस्ट के बारे में बताई दिया, तो किंग ऑफ फाइटर, किंग ऑफ स्ट्रीट फाइटर सारी गेम इसके अंदर आपको मिल जाएगी। लास्ट के अंदर आपको वही एमुलेटर मिल जाएंगे, स्ट्रीम में जो भी आप गेम प्ले करोगे वो मिलने वाली है। तो कलेक्शन में चले जाते हैं, तो कलेक्शन में सबसे पहले जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ द किंग ऑफ फाइट 2002। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन आ गई है, तो एंटर पॉइंट आपको स्टार्ट करने के लिए वाला बटन दबाना पड़ेगा। किंग ऑफ फाइट आपने शायद ये वाली गेम खेली भी होगी अपने चाइल्डहुड के अंदर, अपने बचपन के अंदर। तो अभी तो मैं कोई सा भी प्लेयर लेता हूँ, 3 प्लेयर लेने पड़ते हैं इसके अंदर। तो भाई ये आप देख सकते हैं मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, तो
चलिए अब दूसरे गेम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ ये गेम क्विट करनी है तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा, ये बीच में आपको मोड का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे दबाना है। दबाने पे आपको ये कुछ स्क्रीन शो होगी जिसमें आप रिज्यूम कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्टेट स्लॉट कर सकते हैं और गेम सेव भी कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं आप अपनी गेम को इसमें सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी आप कोई से भी स्टेट पे चले गए हैं और आपको वो स्टेट सेव करनी है तो आप इजीली यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, फिर बाद में लोड से भी लगा सकते हैं। फिर तो उसके बाद आपको कंट्रोल सेटिंग मिल जाएगी तो आप अपने मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने जो भी बटन होंगे अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर तो उसके बाद आती है क्विट, तो क्विट करनी है हमें गेम, फिर ये दबाना है तो ये क्विट होके जो हमारी होम स्क्रीन है उस पर हमें ले जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं पहली गेम मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरी वाली करते हैं। तो ये मुस्तफ़ा गेम है, तो इसका आप नाम पढ़ लेना कैडिलैक्स डायनासोर, तो इसका जो रियल नाम है वो यही है कैडिलैक्स एंड डायनासोर। तो इसको प्ले करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी थोड़ी बहुत आई होप। तो यानी गेम तो भाई हमने बचपन में बहुत बारी खेली है सिक्कों के अंदर, मैं ज़्यादा तो खेल के नहीं दिखाऊंगा आपको, थोड़ी बहुत खेल के दिखाने वाला हूँ। चलिए अब दूसरी गेम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी तीसरी गेम है वो है मेडल स्लोप, तो मेडल स्लोप भी कई लोगों ने खेली होगी। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी खेल के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा खेलूँगा तो भाई लंबी गेम हो जाएगी और लंबी वीडियो भी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बहुत आपको खेल के दिखा रहा हूँ। तो अब करते हैं हम सुपर कॉन्ट्रा अपनी स्टार्ट। तो गाइस ये वाला म्यूजिक तो आपने सुना ही होगा और आपको याद भी आ गया होगा कि हम बचपन में ये वाली गेम खेला करते थे बहुत ज़्यादा। स्नो ब्रोस लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कि गाइस इसके अंदर आपको स्नो ब्रोस गेम भी मिल जाएगी। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको स्नो ब्रदर 2 भी दिखा दी है, तो गाइज अब क्या करते हैं हम अपनी जो मारियो गेम है चाइल्डहुड की फेवरेट मेरी गेम मारियो सुपर मारियो, तो इसको भी एक बार प्ले करते हैं, फिर उसके बाद टेकन 3 करेंगे और अपनी जो वीडियोस के आउटो में आएंगे। तो चलिए फिर सुपर मारियो इसको प्ले करते हैं। खेल लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है और थोड़ी बहुत लोडिंग हो गई, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा मारियो का UI यूज़र इंटरफेस। तो ये मैंने स्टार्ट करी, ये आप देख सकते हैं सुपर मारियो। अरे भाई ये भी मर जाता मैं। तो ले लीजिए सिक्के, यहाँ से पावर मिल गई, ये बड़ा हो गया तो मैं पार करके रहूँगा भाई पूरा राउंड। अरे ये मर जाता। तो गाइस अगर आपको भी सुपर मारियो गेम खेलनी है तो आप ये वाला जो है कंसोल ये वाला ले सकते हैं। और ये कितने का मिलने वाला है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये आपको फुल्ली डिस्काउंट के अंदर मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बस गेम दिखा दूं, फिर उसके बाद हम अपने आउटरों में आएंगे और फिर इसके प्राइस को लेकर ही बात करेंगे। और ये इजी टू कैरी है, अगर आपको कहीं पे ट्रैवल वगैरह करना है तो आप आराम से इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं, और जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं होटल के अंदर वहाँ पे आप आसानी से कोई भी LED LCD हो, बस उसके अंदर क्या है कि HDMI का पोर्ट होना चाहिए, तो आप वहाँ पे इसको लगा के इजीली अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये गाइस आपने देखा मारियो,
चलिए फिर इसे भी ट्वीट करते हैं जल्दी से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फेवरेट गेम टेकन 3। तो ये आप देख सकते हैं टेकन 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो प्रेजेंट टेकन 3। तो उसके अंदर गाइज आपको टेकन 1 टेकन 2 भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं अभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसके अंदर टेकन 1 और टेकन 2 भी प्ले कर सकते हैं, और जो PS1 की गेम है वो भी आप प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको जो भी मतलब PS1 की गेम थी वो मिलने वाली है, जैसे कि क्लैश आपको गेम मिल जाएगी जो कि नोटी डॉग वालों की गेम है, उनकी पहली गेम है क्लैश। आप वो वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि हमने तो टेकन के बाद वो वाली गेम प्ले करी थी अपने PS1 के अंदर, और बहुत ही अच्छी गेम है, एडवेंचर गेम है। पहले पहले एडी को मारते हैं ये, ओवा सो गाइज इसके अंदर जो PS1 एमुलेटर के अंदर जो गेम है वो मुझे बहुत ही कम लगी, और मैं मतलब सोच रहा था कि इसके अंदर मेरे को पेप्सी मैन और रंबल रेसिंग गेम भी मिलने को मिल जाएगी, जैसे कि जो मैंने पेप्सी मैन है वो भी मैंने मतलब अपने बचपन के अंदर PS1 के अंदर प्ले करी थी, और जो एक रंबल रेसिंग नाइस का रंबल रेसिंग भी आया करती थी तो वो भी मैंने PS1 के अंदर प्ले करी थी, बट मेरे को वो गेम इसमें नहीं देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हम अपनी जो गेम है वो अपने आप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड भी लगता है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मेमोरी कार्ड है इसके अंदर हम क्या है कि हम अपनी जो गेम है एमुलेटर के हिसाब से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कहीं पे भी साइट पे जाओ डाउनलोड कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। और चलिए फिर हम अपने जो वीडियो है इसको इसका ये जो वाला पार्ट है इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और अपने आउटरो के अंदर आते हैं। सो गाइज आपको जो वीडियो है आज की आई होप आपको पसंद आई होगी, जैसे कि मैंने आपको इसके बाद इसकी जो भी UI थी इसकी स्पेसिफिकेशन थी वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर दिखा दी है, और कितनी गेम आपको मिलने वाली है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, और आपकी जो जो बचपन की गेम होती थी जैसे मारियो, मुस्तफ़ा, स्ट्रीट फाइट और द किंग ऑफ फाइट, सारी जो है गेम मैंने आपको इस आपकी स्क्रीन पर दिखा दी है। तो अगर आपको ये गेम प्ले करनी है तो जल्दी से जाओ और 4K जो स्ट्रीक है इसको बाय कीजिए जल्दी से जल्दी। और अब मैं बता दूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बोल तो दिया कि भाई बाय कीजिए इसको खरीदिए, बट अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये हमें मिलने कितने वाली है, आपने ये नहीं बताया, और हम कहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज मैं बता दूँ इसका जो मार्केट प्राइस है वो इसका है 2500 से लेके 3000 रुपये तक आपको मिल जाएगी, जो भी शॉपकीपर है अलग अलग प्राइस में सेल करते हैं। बट ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जो शॉप मैं बताने वाला हूँ वहाँ से आप लोगे तो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ये कितने मिलने वाली है 2300 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसके भी दो वेरियंट आते हैं, एक आता है 2500 गेम का और एक आता है 10000 गेम का। तो ये जो वेरिएंट है ये 10000 गेम का है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे ही गया होगा कि 10000 गेम वाला वेरिएंट है ये। तो जाइए जल्दी से जाइए और लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा और आपको जो एड्रेस है वो भी मेंशन कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिसको भी ये लेना है उस तक शेयर कर देना, और अभी तक आपने और मुझे फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप मेरे को फॉलो कर लोगे तो उससे जो भी आपके कंसोल को लेके चाहे वो PS5 हो या PS4 हो या PS1 हो या PS2 हो या ये जो रेट्रो कंसोल है इसको लेकर कोई भी क्वेरी रहेगी तो उसके जो जवाब है मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। और इसको ही लेकर एक पेंडोरा बॉक्स भी है जिसके अंदर हमारी जो रेट्रो गेम है वो प्ले करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसका भी मैं उसका भी रिव्यू दूँ ऐसे ही जैसे इस वाली वीडियो के अंदर मैंने इसका रिव्यू दिया है, तो मैं वो भी मतलब ले आऊँगा और उसका भी रिव्यू मैं दे दूँगा, उसके भी क्या प्राइस है कितने वेरियंट आते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। और भी मैंने वीडियो बना रखी है मतलब पेंडोरा बॉक्स के ऊपर, तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं और भी ब्लॉग मेरे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।